हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोटैटो वेफर्स। पोटैटो वेफर्स जो है आजकल मार्केट में मिल जाती है, पर घर की बनी हुई इस पोटैटो वेफर्स का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और इसे पूरे साल के लिए संभाल के आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाले अच्छे से आलू बड़े साइज के चुन के लिए हैं वेफर्स के लिए, और मेरे पास इस तरह का लोहे का मशीन है, उसमें मैंने आलू के छिलके निकाल लिए। अभी मैं इसमें वेफर्स बनाना शुरू करूंगी। मार्केट में काफ़ी सारे वेफर्स बनाने के मशीन आते हैं, आप कोई भी मशीन का उपयोग करें। तो देखो, इस तरह से मैंने वेफर्स बना ली, पूरा मेरा बाउल भर गया वेफर्स से। देखो इस तरह से, अभी मैंने पूरा बाउल भर के वेफर्स बना ली। तो अभी मैं इसका पानी जो है चेंज कर लूँगी, दूसरा अच्छा वाला पानी लेके उसमें मैं बदल लूँगी वेफर्स को, ताकि उसका जो स्टार्च है पूरा निकल जाए। अगर स्टार्च वाली वेफर रहेगी तो वो थोड़ी सी काली पड़ जाएगी, रेडिश हो जाएगा, वाइटनेस नहीं रहेगी उसमें, और थोड़ा सा ज़्यादा वाइटपन रहे इसलिए मैं इसमें फिटकारी डालूँगी। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी थोड़ी सी ली है, इसलिए फिटकारी को मैं इस तरह से सिर्फ घोलूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिटकारी को थोड़ा सा कूट लें और फिर एक चुटकी फिटकारी डाल दें उसमें, और ये फिटकारी वाले पानी में मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी, ताकि सारा स्टार्च निकल जाए, एकदम वाइटनेस आ जाए वेफर्स में। तो सुबह मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया, उसमें मैंने डाला है नमक, गैस को ऑन कर दिया। अभी इसको अच्छे से उबाल आने दूंगी पानी में। दो बड़े चम्मच नमक डाला मैंने, तो देखो ये पानी का अच्छे से उबाल आ गया। अभी थोड़ी थोड़ी करके मैं वेफर्स जितनी एक बार में आ सके उतनी डालूंगी। हाफ कुक हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है, हाथों से दबा के देखेंगे, हाथों से थोड़ा सा दबाए तो टूट जाए, बस उतना ही हमें कुक करना है। अभी इसको तुरंत ही मैं धूप में सुखाने रख दूंगी, कोई भी प्लास्टिक में वगैरह में। तो देखो ये सूख के बिल्कुल तैयार हो गई है, शाम तक मैंने सुखाया। अभी मैं इसको तल के दिखाती हूँ, देखो इस तरह से एकदम वाइट हमारी ये वेफर्स जो है तल के निकली है। देखो तो फ्रेंड्स, बनाइए आप पोटैटो वेफर्स और अपने अनुभव हमें जागृति वेज फूड पे जरूर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।